Please subscribe Maddy Rider for all the updates and also press the bell icon to get notified firstly so that you won't miss any notifications. हाँ जी क्या हाल चाल। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मॉडिफिकेशंस दैट आई हैव डन ऑन माय थंडरबर्ड 350 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग राइड्स एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लद्दाख ट्रिप ऑल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मॉडिफिकेशंस की कौन सी मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है अपनी बाइक पे। और अगर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा ये मॉडिफिकेशंस आप अपनी बाइक पे भी करवाना अगर आप कभी भी लॉन्ग ट्रिप या लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो। So let's start the video, but रुको एक सेकंड रुको। But before starting the video, I just want to say, if you're new to the channel, please subscribe the channel for upcoming videos and upcoming vlogs, for entertaining information and riding videos, and also please press the bell icon to get notified firstly. So let's start the video with the modifications of the Thunderbird 350 और कहाँ से लेनी है आपको और कितने की पड़ेंगी आपको सारी मॉडिफिकेशन। So चलो गर्मी है। Anyways, so let's start the video with the introduction. Talking about the first modification that I have done on my Thunderbird 350 is this Ladakh carriage. This is a very beautiful and very powerful carriage. अगर आप कोई भी लॉन्ग ट्रिप करते हो या फिर लद्दाख ट्रिप करते हो तो आपका जो लगेज है उसको रखना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। सो दिस कैरियर इज़ ए लद्दाख कैरियर। इसका नाम दिया है लद्दाख कैरियर बिकॉज लद्दाख के लिए मोस्टली लोग यूज़ करते हैं एंड इट इज़ प्रॉपरली डिजाइन फॉर रॉयल एनफील्ड बाइक्स। दिस इज़ अ वंडरफुल कैरियर। एज यू कैन सी यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में आपका लगेज आता है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड होता है और यहाँ पे आपका सारा लगेज आएगा इस टाइप से। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पे एक पत्ती सी लगा देते हैं लोहे की सो दैट उनका सामान गिरे ना, लेकिन अगर आप वो लगाओगे तो आपके जो एरिया होगा ये वाला वॉल्यूम जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी जिस वजह से आपको जो सामान अगर मोटा बैग होगा तो बाहर नहीं आ पाएगा तो दिक्कत होगी। इसलिए मैंने ये नहीं लगवाया सो दैट अगर मेरा सामान यहाँ तक भी आता है तो मैं रस्सी से बांध के उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सो ये है आपका राइट साइड का कंपार्टमेंट। सिमिलरली जो लेफ्ट साइड का कंपार्टमेंट है एज यू कैन सी ये लेफ्ट साइड का कंपार्टमेंट है, इसमें भी सेम कंपार्टमेंट है और इस टाइप में भी आप यहाँ पे सारा सामान रख सकते हो अपना जितने भी बैग्स हैं। अगर आपका सैडल बैग्स है तो आप सैडल बैग ऐसे लटका दोगे एक साइड उस तरफ एक साइड इस तरफ और बीच में बंजी कॉर्ड से आप उसको टाई कर सकते हो और आपको फिर कभी भी टेंशन नहीं होगी कि आपका बैग गिर रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सैडल बैग यूज़ करते हो तो आपको हमेशा डाउट रहता है कि यार कहीं टायर से तो टच नहीं हो रहा, कहीं वहाँ पर गिरने की उस साइड तो नहीं ज़्यादा होगा, इस साइड तो ज़्यादा नहीं होगा। सो लद्दाख कैरियर लगाने से आपको एक स्टेबिलिटी रहेगी आपके लगेज में। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ लद्दाख कैरियर। You have space over here and also you have space over here which is important for jerry cans. Jerry cans में आप अपना 20-20 लीटर के jerry cans यहाँ रख सकते हो जो कि पेट्रोल अगर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो। और थंडरबर्ड अगर आपके पास है तो यू डोंट नीड एक्स्ट्रा पेट्रोल, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई और अदर बाइक है तो आप ये लद्दाख कैरियर उसमें भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा पेट्रोल रख सकते हो। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द अपर कंपार्टमेंट। सो ये अपर कंपार्टमेंट जो है कोई भी छोटा बैग रख सकते हो जैसे लैपटॉप बैग हो गया या फिर कोई भी बैग हो गया, उसको आप टाई कर लो यहाँ से आगे से रस्सी से बंजी कॉर्ड से और इस पे भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लॉन्ग राइड्स। अगर आप कोई भी लॉन्ग ट्रिप करते हो या स्पेशली लद्दाख ट्रिप करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी बाइक के लिए और अपना अपना सारा सामान बिना किसी डाउट के यहाँ रख सकते हो और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। और ये जो कैरियर है ये दो टाइप का मिलता है, एक लोकल भी मिलता है एक अच्छा मिलता है। जो मैंने ये लगवाया है कि 1500 रुपीज़ का लगवाया है, गोल्डन बाइक्स करोल बाग में है। नीचे एड्रेस दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आराम से एड्रेस देके आप वहाँ से उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर भाई का नाम लोगे तो शायद में भी डिस्काउंट मिल जाए आपको, वो आगे की बात है लेट्स सी। लेकिन आप वहाँ से ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो और ये कैरियर आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे ट्रिप के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉडिफिकेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मॉडिफिकेशन। ओके सो टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑन द थंडरबर्ड 350 इज दिस। तो दिस इज़ द मोबाइल होल्डर। एज यू कैन क्लियरली सी ये मोबाइल होल्डर है। इसको मैं सीधा करके दिखाता हूँ आपको। ये मोबाइल होल्डर है आपका, ये नया मार्केट में आया है, जस्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में और ये बिल्कुल स्क्रू वाला मोबाइल होल्डर है और इसके साथ ही नीचे यहाँ पे चार्जर है। लेट मी शो यू। ये जो आपको ये जो स्क्रूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द स्क्रूज़। अगर आप इनको ऐसे खोलोगे तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो फिट मोबाइल इन दिस। लेट मी शो यू। तो ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा खोला है, यहाँ से इसको मैंने लूज़ किया है और ये थोड़ा सा इसमें वाइड हो गया। जैसे ही वाइड हुआ मैंने इसको ये एज यू कैन सी ये फिट हो चुका है बिल्कुल। और मैं जब इसको टाइट करना है तो मैं इसको फिर से स्क्रू इसका टाइट करूँगा एंड इट इज़ ऑल डन। अब ये यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसको और टाइट कर सकता हूँ मैं। अभी आपको जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ। तो इसको लूज़ करोगे तो ये इसमें आप अपना कोई भी बड़ा फ़ोन भी डाल सकते हो, इसको टाइट करोगे तो टाइट हो जाएगा। जो पहले के जो होम होल्डर आते थे उनमें मेरा दो टाइप के होल्डर मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे, मेरा फ़ोन एक दो बार गिरा भी है। सो आई थिंक दिस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट टिल नाउ, क्योंकि इसमें स्क्रू है और ये स्क्रू से टाइट हुआ है तो फ़ोन बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अगर आप इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड देखोगे, दिस इज़ द चार्जर जस्ट बीनीथ द मोबाइल होल्डर। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये देखो, ये आपका चार्जर है। इसमें यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर और इसमें 2 पोर्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 कैमरास होते हैं इसलिए मैंने 2 पोर्ट वाला लिया। लास्ट टाइम भी हमने 1 पोर्ट वाला ही यूज़ किया था। जिस टाइम आई थॉट कि चलो अच्छा लगवाते हैं और थोड़ा महंगा भी है, सो मैंने 2 पोर्ट वाला यूज़ किया है। एंड दिस हैज़ अ कैप विच इज़ वाटरप्रूफ, सो ये वाटरप्रूफ रहेगा। और इसकी जो मोबाइल होल्डर प्लस चार्जर की कॉस्ट है, ये है 950 रुपीज़। 950 रुपीज़ का ही मुझे मिला है। दिस इज़ वेरी गुड। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो। सो इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकंड मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन ऑन माय थंडरबर्ड 350। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मॉडिफिकेशन विच इज़ the hand guards that I have fitted on my bike। ये बिल्कुल कवर्ड हैंड गार्ड है, जो लास्ट टाइम अगर आपने मेरी 2 मॉडिफिकेशन वीडियो पहले भी देखी चैनल पे, तो 2 बार मैंने अपनी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं बाइक पे। जो पहले जितनी बार भी मैंने दोनों बार हैंड गार्ड लगवाया था वो क्लोज नहीं था, यहाँ से वो ओपन था ऐसे ही। सो ये जो क्लोज वाला हैंड गार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सामने से हिट करता है तो आपके जो हाथ हैं वो आपके बहुत सेफ रहेंगे, क्योंकि आप रोज़ की रोज़ डे टू डे लाइफ में जब आप बाइक चलाओगे तो राइडिंग गियर्स आप पहनते नहीं हो हेलमेट के अलावा, लेकिन आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहन पाते हो हर रोज़ के दिन। इवन मैं भी नहीं पहनता हूँ। सो ये जो हैंड गार्ड होगा वो आपको उस टाइम हेल्पफुल देगा। सी कितना पावरफुल है ये देखो। सो जो ये वाला जो मुझे हैंड गार्ड पड़ा है दोनों साइड का, ये मुझे पड़ा है 750 रुपीज़ का, विच इज़ वेरी गुड। ज़्यादा महंगा नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका लुक्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया इस टाइम। और ये सामने से देखो कितना सही लग रही है बाइक, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। सो दिस इज़ द थर्ड मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन ऑन माय थंडरबर्ड 350। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मॉडिफिकेशन। ओके, तो जो फोर्थ मॉडिफिकेशन मैंने अपनी बाइक पे करवाई है वो है ये वाली विंडशील्ड। जो लास्ट टाइम की विंडशील्ड थी वो मेरी टूट गई थी और उसका क्वालिटी बहुत ही हल्की थी। ये एज यू कैन क्लियरली से देखो मैं कितनी ज़ोर से मार रहा हूँ, स्टिल इसमें कोई भी डैमेज आने की कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका देखो ये जो ग्लास विड्थ है इस विंडशील्ड की ये बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ऑलमोस्ट 3-4 mm थिकनेस, सो ये बहुत मोटी है। और इसमें अगर आप कोई भी प्रेशर से भी अगर आप पानी डालते हो, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरी जो विंडशील्ड थी उसमें जब मैंने धुलवाई थी बाइक तो उसने हाई प्रेशर से वो विंडशील्ड टूट गई थी विच इज़ वेरी फनी आई नो, बट स्टिल अब ये वाली मैंने लगवाई है तो इसमें बहुत अच्छा इसकी थिकनेस है और ये बहुत ही सॉलिड लग रही है मेरे को। एंड दिस वन कॉस्ट भी अराउंड 850 रुपीज़। सो ये 850 की मैंने लगवाई है। विंडशील्ड क्यों होती है इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप तेज़ बाइक चला रहे हो, अगर आप पहाड़ों पर बाइक चला रहे हो तो हवा बहुत ज़्यादा होती है, तो हवा आपको बिल्कुल सीधा चेस्ट पे ना लगे। ये जैसे आप यहाँ बैठे तो आपकी जो हवा है वो यहाँ से सीधा आपकी चेस्ट में ना लग के ये हवा यहाँ से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आपकी विंडशील्ड नहीं है, अगर आपकी नहीं है तो ये हवा सीधा आपके यहाँ पे चेस्ट पे लगेगी, विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज आपको ठंड लग सकती है, आपको विंड स्ट्रोक हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये सब हो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ विंडशील्ड। और ये बिल्कुल नई लगवाई है, लुक्स सो फैसिनेटिंग यार, बहुत अच्छी लग रही है। आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन ऑन माय थंडरबर्ड 350। सो ये विंडशील्ड है विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी मॉडिफिकेशन करवानी है लॉन्ग ट्रिप या लद्दाख ट्रिप के लिए, सो डेफिनेटली आप ये चीज़ लगवाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ मॉडिफिकेशन एंड द फिफ्थ मॉडिफिकेशन इज फॉग लैम्प्स। फॉग लैम्प्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी नाइट राइडिंग के लिए। और फिर डे राइडिंग में अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह धुंध भरे एरिया में अगर आप बाइक चला रहे हो, जैसे लद्दाख ट्रिप में क्या होता है मोस्टली धुंध वगैरह आपको मिलती है। सो ये जो फॉग लैम्प्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी बाइक आपकी ट्रिप के लिए। तो ये फॉग लैम्प्स होते हैं 2 टाइप के लाइट्स में आते हैं, एक तो वाइट लाइट होती है, एक तो येलो लाइट होती है। येलो लाइट में आपको कोहरे के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन जो वाइट लाइट होती है वो आपको कोहरे में भी हेल्पफुल रखेगी और अगर आपका जब आप रात में राइड कर रहे हो तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हाईवेज़ पे भी अगर आप राइड करते हो तो आपकी वाइट लाइट से आपको पूरी ब्राइटनेस दिखेगी बाइक रोड पे। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दीज लाइट्स। लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स, देयर यू गो। सो एज यू कैन क्लियरली सी, वाओ दिस लुक्स सो फैसिनेटिंग मैन, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। वैसे दिन में तो आपको दिखा नहीं सकता कि इनकी रेंज क्या है, लेकिन डेफिनेटली इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। लास्ट की दो जो पहले की दो मॉडिफिकेशंस मैंने बना रखी हैं अपने चैनल पे, उनमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि फॉग लैम्प्स की कितनी लाइट होती है और कितना इसकी इंटेंसिटी बहुत होती है। बट एज यू कैन क्लियरली सी इट लुक सो फैसिनेटिंग मैन। रात में भी आप इसका तभी यूज़ करो जब आपको आगे से कोई लाइट नहीं दिख रही। अगर आपको आगे से बहुत सारी लाइट्स पड़ रही हैं, आपकी आंखों में बीम हाई बीम पड़ रही हैं, देन ओनली यू यूज़ दीज लाइट्स। सो जहाँ पे जब आपको लगता है इन लाइट्स का एडवांटेज है, जहाँ पे आपको बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, पहाड़ों पे या फिर हाईवेज पे भी बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, देन यू कैन यूज़ दीज लाइट्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिफ्थ मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन ऑन माय थंडरबर्ड 350। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन दैट आई हैव डन ऑन माय थंडरबर्ड 350। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है गाइस। प्लीज़ आप अगर आप अपना लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो या लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो, ये वाली मॉडिफिकेशन ज़रूर करवा के रखना, हेल्पफुल देंगी आपको, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और जितनी भी मॉडिफिकेशन मैंने उनको विद प्राइजेस बताया है और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप फिट करवा सकते हो गोल्डन बाइक्स। सो जो टोटल खर्चा मुझे आया था इस पूरे ओवरऑल जितनी भी मॉडिफिकेशन मैंने करवाई हैं, ये टोटल मुझे पड़ी थी 4950 की प्लस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6000 रुपीज़। ये सारी मॉडिफिकेशन 6000 रुपीज़ की मुझे पड़ी हैं इंक्लूडिंग फिटिंग चार्जेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड। राइड सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट एंड प्लीज टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो, क्या पता कल हो ना हो। और ये अगर आपको मोटिवेशन अच्छी लगी है, थक गया। तो अगर आपको ये मोटिवेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग ब्लॉग्स फॉर एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड राइडिंग वीडियोज एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फर्स्टली। चलो अब चलता हूँ, बाल भी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बाल भी कटाने हैं मेरे को ट्रिप से पहले। और ये देखो बालों की क्या हालत होगी, इतने बड़े बड़े बाल हो गए। एनीवेज बाय बाय, टेक केयर। और एक और चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई वुड डेफिनेटली लव टू आंसर यू। और बने रहो यार इस चैनल पे यार, बस तुम बने रहो, मैं आपको खुश करेगा, आपका भाई बहुत खुश करेगा वीडियो से, आपको टेंशन मत लो, बस आप बने रहो इस चैनल पे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आज का तापमान है ऑलमोस्ट 46 डिग्री। चलो चलते हैं, बाय।